महीने बाद कोरोना का केस आया सामने। कोरोना से ग्रस्त महिला को घर पर किया आइसोलेट। अमरोहा में मिला दिल्ली के ऑटो चालक का शव। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। बांदा में नवी की छात्रा से रेप की कोशिश। परिजनों ने महिला सिपाही पर लगाया बड़ा आरोप। सोनभद्र में तेज बारिश के चलते 6 की मौत। नाला पार करते डूबे लोगों की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर अमरोहा से है, जहां जिले में 4 महीने बाद कोरोना के केस सामने आए हैं। महिला हेपेटाइटिस से ग्रस्त होने के कारण दवा लेने आई थी, जहां डॉक्टरों ने कोविड की जांच कराई जिसमें महिला पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद सीएमओ ने कहा कि परिवार वालों की भी जाँच कराई जाएगी। बता दें, कोरोना पॉजिटिव महिला संभल जिले के असमोली की रहने वाली है, जिसे घर पर ही आइसोलेट किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अज्ञात शव की पहचान 75 वर्षीय मेवालाल यादव के रूप में हुई है। मेवालाल यादव मूल रूप से बिहार के जिला मोतिहारी के थाना केसरिया का रहने वाला था। वर्तमान में वो दिल्ली के त्रिलोकपुरी में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। मेवालाल की पत्नी रंभा देवी ने बताया कि उसके पति 14 मार्च की शाम को ऑटो लेकर घर से निकल गए थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे। इस दौरान एक बार फोन पर बात हुई थी, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मृतक की पत्नी को भी नहीं मालूम वो ऑटो लेकर अमरोहा क्यों आया था। फिलहाल कई सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। बता दें, मृतक के परिवार में पति पत्नी के अलावा 5 बच्चे भी रहते हैं। मेवालाल यादव। तो कहाँ रहते हैं आप लोग? दिल्ली। तो ये डेड बॉडी कहाँ मिली है, कब से निकले हुए थे घर से? ये निकले हैं 14 तारीख से शाम को 5:30 बजे घर से निकले थे। क्या क्या करके निकले थे? बस कह रहे थे जा रहे हैं गाड़ी चलाने। गाड़ी चलाते हैं? कई गाड़ी चलाते हैं? मालिक का किराया का ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? हाँ। तो ऑटो भी यही मिला है? ऑटो भी यही मिला है। तो किसी से कोई 2-2.5 किलो का अंतर मिला, मतलब डेड बॉडी और ऑटो। तो किसी से कोई रंजिश? और वो गाड़ी मालिक को पता होगा कि इनसे उठन बैठन था। हम रात को तो जाते नहीं थे, चाहे इनके पीछे। मैं जॉब करती हूँ। आप कहाँ जॉब करते हो? कोलोबिया में सेक्टर 6 में। अच्छा, तो आपको सूचना कब मिली थी? ये सूचना मिली थी हमें 15 तारीख से लेकर 16-17 तक लास्ट। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। आरोप है कि यहां घर में नाबालिग को अकेली पाकर गांव के ही एक युवक ने रेप करने की कोशिश की। इसके बाद नवी की छात्रा किसी तरह जान बचाकर बाहर भागी, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। आरोप ये भी है कि जब पीड़ित परिवार इसकी शिकायत लेकर थाना पहुंचा तो मौजूद महिला सिपाही ने उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम्हें गाँव में नहीं रहना है क्या? तुम लोगों से दुश्मनी ले रहे हो। फिलहाल मामला बढ़ता देख पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना ये हुई भाई साहब कि हमारी लड़की घर पर अकेले थी। शाम को 5 बजे हमारे गांव का ही चुन्नू शुक्ला पुत्र पूत शुक्ला निवासी डिघोर ये हमारे घर में आया और लड़की को कमरे के अंदर ले जा करके, कोई घर में था नहीं, माँ खेतों में गई थी, खेत में थी, तो लड़की को अंदर पकड़ करके उसके साथ बलात्कार करने की पूरी भरपूर कोशिश किया, छीना झपटी की। कल थाना चिल्ला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डिंगवट में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला संज्ञान में आया, जिस मामले पे तत्काल पुलिस मौके पे गई। मामले को संज्ञान में लिया गया है, FIR दर्ज की गई है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में न्यायालय के पॉस्को कोर्ट में आज एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को 20 साल की सजा और 21,000 का जुर्माना लगाया गया है। मामला बदौसा थाना क्षेत्र में 14 जनवरी 2016 का है, जब दो युवकों ने 15 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज कोर्ट के फैसले आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान में एक जनपद बांदा पुलिस और अभियोजन को एक सफलता मिली है।
जिसमें कि थाना बदौसा में पंजीकृत 2016 में एक गैंग रेप पॉक्सो तथा SC ST का एक मुकदमा था, जिसमें कि पुलिस और अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई द्वारा इसमें दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 21-21 हज़ार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। शासन द्वारा क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराध उपासना के मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। उसमें थाना बदौसा का ये केस था। 14 जनवरी को एक बरछा गांव था बदौसा थाने के अंतर्गत, वहाँ के एक श्याम लाल ने एक अप्लीकेशन दिया कि उनकी पुत्री 8 बजे रात से गायब थी। तो 16 जनवरी को पुत्री मानिकपुर रेल स्टेशन जो करमी पड़ता है वहाँ पर बरामद हुई। एक मुलजिम जो था उसका तो मिश्रा जी, एक पप्पू मिश्रा थे, दूसरे राहुल गुप्ता थे। तो एक तो भाग गया राहुल गुप्ता, लेकिन राबेंद्र और पप्पू मिश्रा ही पकड़ा गया, बच्ची बरामद हुई। खबर चंदौली से है, जहां प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वार्ड में जाकर भर्ती मरीजों का हाल जाना, जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के सवाल जवाब पर मंत्री ने कार्यवाही का आश्वासन दिया। लखनऊ में आज ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर जानकारी दी और कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। 1332 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाला गया, साथ ही संविदा कर्मियों को भी बर्खास्त किया गया। और क्या कुछ कहा है ऊर्जा मंत्री ने, आप भी सुनिए। 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हजारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हजारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां बीती देर शाम तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई जिसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। कोन थाना क्षेत्र के चक्रिया का ये मामला सामने आया है, जहां तेज बारिश से अचानक आए बारिश के पानी से नाले में पानी का बहाव तेज हो गया। नाला पार करते समय तेज बहाव से 6 लोग पानी में डूब गए, जिससे सभी लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। 4 बजे के आसपास में काफी बारिश ओलावृष्टि के साथ हुई थी। ये गाँव पड़ता है गढ़वान, यहाँ से 4 महिलाएं और 2 बच्चे थे जो कि लकड़ी या बीनने के इसी साल आसे से आए थे पहाड़ियों पर। और जब तेज़ बारिश होने लगी और ओलावृष्टि होने लगी तो उसमें वो उन्होंने छुपने की कोशिश करी और जो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो पानी पहाड़ियों से इकट्ठा होकर वो बहाव के साथ आया और बहाव के साथ इनको भी बहा कर ले आया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज 4 बॉडियाँ मिल गई थी सुबह, 1 बच्चे की बॉडी अभी मिली है, 1 अभी भी खोज जा रही है, बॉडी नहीं मिली है। ये संतरा देवी वाइफ ऑफ अमरनाथ, अभी इनकी बॉडी नहीं मिली है। बॉडियाँ जो मिल गई उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में अचानक मौसम ने करवट ली। सोनभद्र के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद ओले गिरे। ओले गिरने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। किसानों की फसल को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लखनऊ में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशन मुंबई की तरफ से 2 दिवसीय टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जज राजेश बिंदल ने किया, जहां इस मौके पर मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय P दिवाकर, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय DK उपाध्याय, इरशाद अली जी,
पीयूष अग्रवाल, AIFTP के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज घिया, ITBA के अध्यक्ष RP तिवारी, कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन KK दीक्षित, साथ ही बड़ी संख्या में देश भर से आए टैक्स प्रोफेशनल्स, व्यापार संगठन के सदस्य सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में टैक्स और GST से जुड़ी तमाम जानकारियां विशेषज्ञों की तरफ से दी जाएगी, साथ ही व्यापारियों और टैक्स पेयर्स की तमाम समस्याओं का समाधान भी बताया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में आए तमाम विशेषज्ञों की तरफ से कई विषयों पर चर्चा भी की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की तरफ से इस आयोजन की सराहना की गई। वहीं आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारियों और करदाताओं को आ रही कानूनी और व्यवहारिक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान कराना है। इस दिशा में AIFTP और AITB लगभग 75 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।